वेलकम टू माय चैनल अविका डेकोरेटिव होम। आज हम लोग किड्स के लिए हेयर बैंड बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड की इस पट्टी को मैंने कट कर लिया है। तो ये फोल्ड मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने पर ये 19 इंच का आएगा और इसकी चौड़ाई जो है हमारे 3 इंच है। तो आप अपने बेबी का जो है कि सर का माप लेकर यानी मेजरमेंट लेकर उसके बाद पट्टी काट लीजिएगा। यहाँ पे ये ब्लाउज़ का ये पीस है तो उससे मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डबल कर रखा है। तो अगर आप चाहो तो कॉटन वगैरह का भी बचा हो उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई कर दी है। अब इसको फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई कर दूंगी किनारे से। यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके बाद इसको पलट देंगे। ये इजीली मैं हैंड से ही पलट दूंगी। तो आप चाहो तो सुई धागा के हेल्प से भी इसको पलट सकते हैं। मैंने पलट लिया है। जो सिलाई वाला पार्ट है वो मैं सेंटर में करूँगी और इस पर प्रेस कर देंगे, और ये प्रेस कर देंगे तो सेट हो जाएगा। पे देखिए मैंने प्रेस कर दिया है, ये इस तरह सेट हो गया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद इसको इन दोनों को इस तरह पकड़ेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये टुकड़ा है कपड़े का, इसको भी मैं डबल फोल्ड करके फिर इसके बाद इस पर किनारे से सिलाई चला दूँगी। यहाँ मैंने सिलाई चला दी है। इसके बाद इसको पलट देंगे। पट्टी को पलट कर प्रेस कर दिया है। अब इसके बाद इसको जहाँ पे हमने सिलाई की है हेयर बैंड का ज्वाइंट हुआ है वहाँ पे इस तरह अपोजिट साइड में रख कर इसको इस तरह जो है कि सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह इसको पट्टी को दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको हम पलट देंगे यानी कि इसको सीधा कर देंगे। तो ये सीधा हो जाएगा। तो देखिए ये सीधा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसे सिलाई जो है किए हैं वो ढक जाएगी। अब यहाँ पे एक पट्टी लेंगे जो 3 इंच × ये 38 होगा, यानी कि 3 × 38 इंच का ये पट्टी है। इस पे चारों तरफ हम पीको कर देंगे। यहाँ पे मैंने पीको कर लिया है। अब इसको है पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह पूरी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद सुई धागा की हेल्प से जहाँ से फोल्ड है, ओपन एरिया से नहीं करना है, जहाँ से फोल्ड है वहाँ से सुई धागा से इसे कच्चा कर देंगे पूरे को।
यहाँ पे मैंने कच्चा कर लिया है। अब इसके बाद मैं धागे को खींचूंगी तो ये एक चुन्नट बन जाएगा और इसमें ढेर सारे जो है चुन्नट बन जाएंगे। तो इस तरह इसको खींचते जाएंगे धागे को और ये चुन्नट तैयार हो जाएगा। वो हम ज्वाइंट कर देंगे जहाँ से हमने कच्चा किया था, वहाँ से सुई धागा की सहायता से इसको ज्वाइंट करते हुए इस तरह सिल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसको सुई को इधर से निकाल देंगे, फिर इसके बाद ऐसी राउंडिंग एक दो बार कर लेंगे तो ये अच्छे से फ्लावर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अच्छे से इसको टांग देंगे जिससे ये ओपन ना हो। तो आपके घर में भी कतरन होंगे तो आप भी इसी तरह आप हेयर बैंड, ब्यूटीफुल हेयर बैंड अपने बच्चे के लिए तैयार कर सकती हैं। और उनके ड्रेस के अगर कलर मैच करता हुआ कतरन मिल जाए तो आप उनके ड्रेस के हिसाब से भी इसको तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक ही हेयर बैंड बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो फिर कभी मैं और भी तरीके से इसको हेयर बैंड बनाना बताऊंगी। कपड़े का हेयर बैंड बच्चों को चुभता नहीं है और आराम से ये पहन भी लेते हैं। अगर हम प्लास्टिक या लोहे वाला जो हेयर बैंड लगाते हैं तो वो बच्चे बार बार उसको निकालते हैं कि मम्मा नहीं पहनना, नहीं पहनना है। और ये जो होता है आराम से ये कंफर्टेबल होता है, पहना सकते हैं तो, और बच्चे पहने भी रहते हैं। के ऊपर अब सेंटर में आप मोती या स्टोन वगैरह हो आप लगा दीजिए। बटन, अगर स्टोन ना हो तो बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बटन लगा के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये फ्लावर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमने जहाँ पे पट्टी लगाई है जॉइंट पर, वहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे।
ये ब्यूटीफुल हेयर बैंड तैयार हो गया है। आप भी ऐसे ही आप ही ब्यूटीफुल हेयर बैंड आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।